सत श्री अकाल जी, साडे चैनल विच तुहाडा बहुत 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 स्वागत है। देखो जी, ए वालियां प्रॉब्लम्स जे तुहाडे भी आ रही हैं, तुहाडे नाल भी ए प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो इसका बड़ा ही वधिया छोटा जिहा सरल ते अचूक उपाय लेके आए हाँ। जेकर कई बार किवें हुंदा है कि साडे बच्चे वास्ते रिश्ता आया है, मुंडा होवे कुड़ी होवे, रिश्ता चंगा है हथों ना निकल जावे असी रिश्ता कर देंदे हाँ, पर ब्याह की तैयारी भी करनी पैंदी है, उसके वास्ते साडे कोल पैसा नहीं है, परेशानी शुरू हो जाती है। इस तो अलावा बच्चे दे चंगे कॉलेज विच एडमिशन करानी है, बच्चे दी कॉलेज दी फीस भरनी है, पर पैसा नहीं है। कोई वधिया प्रॉपर्टी मिल रही सी, जमीन मिल रही सी, खरीद लीती, पर हुण पैसा नहीं है। ए सब जदो भी अचानक तुहानू मतलब पैसे दी जरूरत पै जावे तां तुसी ए वाला उपाय करना है। ठीक है जी, केड़ा उपाय करना है पूरा दसांगी, वीडियो दे अंत तक बने रहना जी। इस तो पहले जेकर वीडियो चंगी लग रही है तो वीडियो नू लाइक करो, शेयर करो, ते कमेंट विच अपनी हाजिरी जरूर देके जाओ जी, ताकि परमात्मा दा आशीर्वाद तुहानू सीधा प्राप्त हो सके। देखो जी, इस तरह दी जेकर प्रॉब्लम्स आ जांदियां हन कि अचानक कदी सानू पैसियां दी जरूरत पै जांदी है, तो सानू करना की है, की करना है? जदो तुसी घर दा आटा गुंदे हो, है ना, हमेशा घर दा आटा जदो गुनना है, उस दे विच असी थोड़ी जी दूध दी मात्रा मिलानी है। ठीक है, ए उपाय हले खत्म नहीं होया। हां जी, की करना है? वैसे तां तुहानू रोज ही आटा गुन्नन वेले थोड़ा जिहा दुध उदे विच मिलाना है, पर जिस वेले तुहानू इस तरह दी प्रॉब्लम आवे कि अचानक पैसे दी जरूरत पै गई है, जिस तरह कि तुहानू दस्या है ब्याह शादी अचानक आ गई है, ठीक है, कॉलेज एडमिशन भरनी है, प्रॉपर्टी कोई खरीदनी है, तां तुसी ओ जिहड़ा दुध मिला रहे सी आटे दे विच उस दी मात्रा वधा देवो। बड़ा ही अचूक उपाय है, करके देख लेना, विश्वास नाल करना, देखना तुहाडी जेड़ी प्रॉब्लम आई है अचानक पैसे दी, ओ हमेशा वास्ते खत्म हो जाएगी। किधरों भी परमात्मा जो भी करेगा तुहाडे पैसियां दा इंतजाम होएगा ही होएगा जी, विश्वास नाल करना। ते चलो जी, ऐसी मेरी आज दी वीडियो दी जानकारी ते उपा चंगा लग्या है तो वीडियो नू लाइक कर देना, कमेंट करना, ते चलो जी मैनू इजाजत दियो, मिलदी हां अगली वीडियो विच तुहाडी किसी होर प्रॉब्लम दा वधिया जिहा हल लेके।